जी हाँ दोस्तों, हमारे चैनल पे आप आए हैं तो वीडियो पूरा देख करके जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। देख सकते हैं इसी तरह से व्लॉग के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको इस तरह से व्लॉग हम दिखाते रहेंगे और ही क्या ही बेहतरीन बेहतरीन व्लॉग दिखाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या ही सीन है। और हम लोग पूरा वीडियो बनाने वाले हैं अभी इसका, आप सब देख सकते हो क्या ही मजा आने वाला है। और हमारा ये फर्स्ट व्लॉग है, आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग है, थोड़ा गड़बड़ तो होगा लेकिन बाद में सही आने वाला है। तुम कंटिन्यू रखो ये सब पूरा चल रहा है, फुल कंटिन्यू है। और देख सकते हो थोड़ा टेंशन हो रहा है, बाकी सब सही जा रहा है। ये व्लॉग है यहाँ पे एक बैंक का वीडियो भी है। और इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है तो हम इधर से गाड़ी बनाते हैं पार्किंग एरिया। और फिर इधर क्या है इस तरह, चलो एक बार पूरा अच्छे से दिखाओ इधर से। और व्यू देख सकते हैं आप, यहाँ भी मस्त आ रहा है, क्या सीन है। बने रहिए हमारे वीडियो चैनल के साथ, हम आपको दिखाते रहेंगे, वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा। देखिए वो फर्स्ट व्लॉग है हमारा, ये चलता रहेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं पूरा दिखाने वाले हैं अभी हम लोग सिमडेगा को। सिमडेगा स्टार्टिंग नहीं हुआ है, अभी जा रहे हैं गाड़ी से दिखाएगा। ये पुलिस लाइन सिमडेगा दिखा रहा हूँ, दिखाओ पुलिस लाइन सिमडेगा, क्या गजब का बना हुआ है लेकिन छोड़ो क्या करोगे देख करके। ये सर दिस इज एंजल, इसमें एंजल परिया रहती परिया। देखो बीच में हमारे छोटा सा ये रेस्टोरेंट वगैरह है। And this is Warna. चलो इसको भी और अच्छे से दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, अभी सिमडेगा का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं हम आप लोगों को। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हमारा फर्स्ट व्लॉग है, कई बार बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं। सिमडेगा अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मेन जो ये है टाउन एरिया है, साइड एरिया है टाउन का ही। जो कि टूट गया, सिमडेगा शुरू होने वाला है। आप बने रहो, वीडियो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अगर नहीं मन तो मत करो लेकिन वीडियो देखो। आगे से आ रहा है संकट मोचन, संकट मोचन नाम है, कहाँ जाता है तो किला। इधर टाइल्स का और साउंड भी चला, देखिए इधर सॉफ्टवेयर वगैरह। और ये देखो ट्रक आ रहा, और ये देखो कार वाला जा रहा, देखो बंदे लोग साइकिल से जा रहे हैं। इधर देखो एक पेट्रोल पंप पर जाना है, ये यहाँ पे तेल बेचता है। और इधर नजर क्या लगे वहाँ पर, सिमडेगा का जो टाउन एरिया है मेन, वो शुरू होने वाला है, मतलब हो गया है, अभी तक होने वाला नहीं है, अब होगा नहीं, उससे पहले खत्म कर देंगे। अच्छा, शुरू से पहले खत्म भी कर देते हैं। अभी स्पीड में चाप के आते तो क्या होता है, गिर जाते हैं। उधर देखो उधर वाला कपड़ा का दुकान है, उसमें बहुत बड़ा सिमडेगा था।
तो लगता है सिमटा गया नहीं है। हमारा छोटा सा गांव पहुंच चुके हैं। दिस गांव इज वेरी 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 बैड। बैड नहीं गुड। अरे माल जा रही है, सॉरी लड़कियां जा रही है। और देखो यहाँ पे एक यही बिल्डिंग है जो बहुत दूर से दिखता है क्योंकि हमारा शहर का सिर्फ क्योंकि कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा। और दूसरा यहाँ चलना आते सब आगे से बाल मित्र थाना है सिमड़िया का, बाल मित्र थाना, और फिर आगे में महिला थाना है आगे जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सलीके से बोलिए। कोई सलीका नहीं, सलीका ही नहीं आता हम लोगों को। आप देख सकते हैं चचा आ रहे हैं, और देखो आंटी अभी पार होने वाली है रोड पे, और देखो ये ऑटो वाले को ओवरटेक कर रहे हैं। आज हमारा पूरा सिमड़िया पिक्चर हो जाएगा एक दिन में ही, क्योंकि बहुत छोटा है। हालांकि छोटा कहने को है, पैसा बहुत है यहाँ, यहाँ मीडिया बरतना है हम लोग के पास नहीं। अस्पताल अगर आपके भी थोड़ा दिखा देते हैं वाला है तो आप आ जाइए, यहाँ फ्री इलाज होता है, बहुत बढ़िया इलाज होता है। सिमडेगा अस्पताल को पूरा अच्छे से हम लोग दिखाने वाले हैं। ये जैद जा रहा है और देख सकते हैं वो हॉस्पिटल को पूरा घूम करके अभी अच्छे से दिखाएंगे। अच्छा वो दिखाओ, ये बिल्डिंग को दिखाओ, वो रहा 24 दिखाओ। इधर कहाँ खंडर में लेके आ गया, इधर में पहले इलाज हुआ करता था जो कि अब बहुत बड़ा बन चुके हैं क्योंकि सरकार ने रुपया खर्च किया है, बहुत किया है, बहुत बेहतरीन बनाया है, इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन का फैन हैं क्योंकि हमारे वो मुख्यमंत्री हैं झारखंड का। चलो चचा इज स्विंग स्विंग, चलो गो एंड बैक। इधर दिखाओ ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो उधर से आप देख सकते हैं। और इधर है ब्लड बैंक, अंदर लेके चल जाएगा। नहीं ब्लड बैंक है, किसी को चाहिए होगा तो नहीं चाहिए किसी को, किसी को ब्लड चाहिए तो आइए, नहीं तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम देने वाले हैं आप लोगों को ब्लड। ओ नेगेटिव थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, बाकी ओ पॉजिटिव तो बहुत मिल जाएगा। और इधर मैं दिखाओ जी, पहले ये सब कार्यक्रम यहाँ चलता था, उधर मेडल डाल चलना, मेडल दिख गया सब, हॉस्पिटल ही दिखा दे रहे ना, चल बाहर। मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। डॉक्टर एपीजे कुछ नहीं, छोटा सा हॉस्पिटल अभी से घूम रहे, छोटा सा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत बड़ा रखा जाता है। अगर आप जिंदा तो आपको मुर्दा बना के 3 घंटे तक जीवित रखने की कोशिश की जाती है। नहीं वो सब नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाया हुआ दिखा अच्छे से, वो दिखा हुआ है। बहुत सुनो खंडर भी है हमारे अस्पताल में। इधर काका एन मार दिया, निधर मार दिया। और ये सब देखो बिल्डिंग दिखाओ, कुछ ना कुछ बनने वाला होगा, पूछे नहीं है, पूछेंगे बाद में, अभी थोड़ा ऐसे ही घुमाते हैं बाद में और दिखाएंगे। और ये हमारा व्लॉगिंग का मेन टॉपिक आने वाला है अभी, और ये हम लोग हॉस्पिटल से निकलने वाले हैं जो असल में मेन हॉस्पिटल था, वहाँ अभी हम लोग गए नहीं। दिस इज आउट अंडरस्टैंडिंग। हाँ ठीक है चलो पार्क दिखाते हैं। देखो देखो ये मेन टाउन है, यही मेन टाउन है, जैसा भी है ट्रेन पार्क हो गया, आराम से टर्न राइट लो, टर्न राइट लेकर के हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। क्या दिखाने वाले हैं जी, पार्क ना बस स्टैंड इधर का दिखाओ, अंदर में बस स्टैंड नहीं दिखे, इधर दिखाओ क्या उधर नगर परिषद दिखाओ,
काफी भीड़ है ऐसे। अभी मेन टाउन में हम लोग गए नहीं है, मंडी वगैरह में, वो सब दिखाएंगे आप लोगों को बाद में, एक ही दिन में मत देखिए सब, लेकिन ये सब जो है वो दिखाने वाले हैं। अनुमंडल कार्यालय दिखाओ, चलो सिमडेगा जेल दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाओ क्या है वो सब नहीं दिखाना, चलो प्रखंड वगैरह दिखाओ, डायरेक्टली पार्क दिखाना है, तो फुल पार्क छोटा मोटा ही सही, लेकिन है तो, लेकिन खुला है, बता दिए इसे, खुला होगा, खुला है, खुला है, बे बे भूत नहीं, गाड़ी उतारने के लिए बनाया, आजा, कम फास्ट, दिस इज कंगारू, वाटर पार्क है लेकिन पार्क चालू नहीं है। और ये देख सकते हैं ये हरा भरा दिख रहा है क्योंकि ये बंद रहता है, खुलता ही नहीं है, खुलने पे लोग आते ही नहीं है, पूछने पे यहाँ पे लोग बोलते हैं ये बस है, क्यों है नहीं पता। फुल पार्क के नाम पे सिर्फ रेड पत्ता दिख रहा है, आप उसको ही फुल मानो क्योंकि यहाँ पे इसको ही फुल बोला जाता है, खत्म ही नहीं हो रहा। और हमारे पास माइक नहीं है इसलिए आवाज थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा है क्योंकि हम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और आपको वीडियो दिखा रहे हैं, पे देखने वाले हैं इसलिए थोड़ा लहजे में बोल, माइक आउट, पेड़ आते हमारे काम, इनको ना करो तमाम। फिसलने का, झूलने का हो रहा है हमारा झूला, ले अब आप ही डिसाइड करो कि ये पार्क कैसा है, क्योंकि यहाँ पे लोग कौन भी तो है नहीं, एन मारते ब्रो, इधर एन मारते, याके लेट आगुते ब्रो, हो गयू लेट आगुते रे, एन मारते या वीडियो शूट करो ना बे, याके वीडियो शूट करो, वीडियो याके याके वाई ब्रो, वीडियो दिल्ली चले जाओ, वहाँ पे ऑक्सीजन का कितना कमी रहता है, और पार्क में वैसा कुछ खास नहीं है, देख सकते हो। तो हम लोग अब चलते हैं इस पार्क से और दूसरा पार्क को आपको दिखाने वाले हैं, आप देख सकते हो कितना बेहतरीन पार्क दिखाएंगे आपको। अबे तुम कहाँ शूट कर रहा है, कैप्चर करो कैप्चर, ये इसका फर्स्ट ब्लॉग है देख सकते हो, हाँ अभी ये भाई साहब लटक के भी दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा पाइप मोटा है इसलिए नहीं लटक पाए, शायद मोटा पकड़ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, सब देख सकते हैं पार्क वार्क जो भी है जैसा भी है ठीक ही है, ये बात सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने बोला था। और इधर देख सकते हो क्या ही सीन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सीन है, घंटा कुछ नहीं है। इधर भी देखो चौराहा में खड़ा हो, चारों ओर दिखा रहे हो, पेंटिंग चलो जी थोड़ा दिखा देते हैं, एटलीस्ट उन लोगों को तो दिखा देते हैं जो लोग यहाँ पे साफ सफाई करते हैं। तो ऐसा ऐसा रास्ता हुआ करता था लेकिन अभी नहीं हुआ करता है, देख सकते हो रोड में काई लग रही है क्योंकि यहाँ पे लोग सही क्या थे ना, सादरी में दिखाने नहीं मत नहीं। और देख सकते हो ये दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और वो ये है कि ये है तेजपत्ते का पेड़, तेजपत्ता आप समझ सकते हो, तेजपत्ता वो चीज़ होता है जो खाना वाना में डाला जाता है, ये है तेजपत्ता का पेड़, अच्छे से आप देखो इसका सूखने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, खाना वगैरह में डाला जाता है या चाय वगैरह में, खिचड़ा वगैरह में टेस्टी के लिए, ये तेजपत्ता का पेड़ है, बाकी वैसा कुछ भी नहीं है, जो भी है देखो हरा है, हरियाली है, बैठने के लिए है, सुकून के लिए है, शांति के लिए है, एकांत में आके बैठना चाहते हो तो यहाँ पे आओ बैठो सुकून से, साइड में कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला आप लोगों को, एक बार आप ऊपर देखो पेड़, और अब हम जा रहे हैं, देखते हो
ये रहा, निकल गए हम लोग और अब जा रहे हैं। बच्चों का छुट्टी हो चुका है स्कूल। ये स्कूल वाला एरिया हम और आके एक और छोटा मोटा पार्क है, हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। इस एरिया उस एरिया में बहुत स्कूल है, इसलिए बच्चे सब उधर से आ रहे हैं। रास्ता तो इधर से भी है और इधर में बहुत उधर पुलिस लोग वाले बैठे हुए हैं पैरों के। यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं सिमडेगा जेल। वो जेल था बहुत पहले का, नाम देख सकते हो इसका, आप पढ़ सकते हो। दिखा तो चलो, ये रहा पार्क जो कि खाली है पूरा अभी तो। क्योंकि अभी थोड़ा धूप है इसलिए खाली है ये, नहीं तो लोग आते हैं बैठते हैं। बैठते हैं नहीं, बैठे हुए हैं। और छुआ लोग आके झूला झूलता है इधर में, वो मुंडी वाला में और फिर इधर में। अरे ज़्यादा पेड़ पौधा लग गया, वो बरसात था इसलिए ये सब पेड़ पौधा बैठ गया, बढ़ गया, वरना इसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता है। जैसा चल रहा है चलते रहता है ये। हेलो मिस्टर के, कहने को तो सिमडेगा एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, टाउन भी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और देख सकते हो इतने बड़े आबादी में यहाँ पे एक ढंग का पार्क भी नहीं है, फिर भी हम लोग अपने सरकार के फैन हैं क्योंकि हमारा सरकार बढ़िया है। वो अलग बात है कुछ करे या ना करे। उधर से कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, धूप था, यहाँ पे लोगों की कमी है थोड़ा। इधर में दिख रही है लड़के का, आप कुछ बोलो। क्या बोलो, ललित हो चुका ये सिमडेगा पार्क कंप्लीट। चलो राउंड अप मारो। ट्रेन को कौन लड़ दिया बे? ट्रेन उलट चुका है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो बच्चों हम आ चुके हैं हमारे देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ये सिमडेगा का रेलवे स्टेशन के नाम पे ये है एक, क्योंकि यहाँ रेलवे स्टेशन नहीं है, ट्रेन नहीं चलता है दोस्तों, इसलिए ये छोटा सा ट्रेन लगाया गया था जो अभी एक्सीडेंट कर गया, क्योंकि सामने से एक हाथी आ रहा था उससे टक्कर खा गया था और वो गिर चुका है। तो ये ट्रेन एक्सीडेंटल ट्रेन है, देखो पटरी से चक्का उतर चुका है इसका, साइड में थोड़ा सा वो कीचड़ है इसलिए पटरी पूरा भी नहीं दिखा सकते हम आपको हाँ, लेकिन ट्रेन जो भी था जैसा भी था अच्छा था। और ये बच्चा ट्रेन से अभी घूम के जा रहा है, पटरी से होते हुए जा रहा है, देखो चलो हो चुका हमारा व्लॉग आज कंप्लीट। और इस लड़के को देख सकते हैं जो कि और ये लोग जा रहा है, कहाँ जा रहे हो जी दोस्त? गांजा मारने, बोलो ना जी, गांजा मारने जा रहे हो जी? वो लोग गांजा नहीं मारेगा इसलिए बेचारा परेशान हो गया। ये पार्क था, निकल चुका है अब हम लोग और ये रहा एनसीसी आर्मी वाइन विंग सामान ब्लिंकर और मजा। और ये रहा जा करके हमारा स्कूल एस एस प्लस टू का स्कूल जी। आइए अगर तुझसे तो खैर अच्छा मतलब ब्लॉग बनेगा। हाँ डायरेक्टली बातचीत होगी और हम जिसकी तलाश में निकले थे वो हमें मिली नहीं। वो बहुत बड़ा ब्लॉगर था, इंटरव्यू लेने जा रहे थे हम ब्लॉगर थी लेकिन मिला नहीं।
ये देख सकते हो सिमडेगा गांव में जो घर है कितना खूबसूरत है। ये इधर साइड एरिया आ गया गांव एरिया, गांव को भी हम दिखाने वाले हैं अच्छे से। ये घर देख सकते हो आप अंदर अंदर में, पेड़ों के बीच में जो लोग घर बनाते हैं वो क्या ही खूबसूरत लोग होते हैं। और ये रहा साइड में प्लम्बर का हार्डवेयर का दुकान, जो ब्रेक होगा ना मुझे आजा माई आजा माई आ सोनिया वे आके अज मेरे गल लग जा। सुनो मेरे वीरों अज मेरी कहानी, मैं सूफिया दा राजा नशे च मेरी रानी। रानी पानी भी नहीं पौंदी जदों ड्रिंक सी बनाउंदी, घट घट खिंची जांदी दसो मैं क्या कर। और हम व्लॉगिंग में और अच्छे से डालने वाले हैं। असल में क्या है ना दोस्तों, हम थक चुके हैं, हमें अब कुछ लेना चाहिए, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स दिख रहा है हमारी, वो वहाँ नहीं पीने वाले हैं, हम लोग साइड के एरिया में जाने वाले हैं और अच्छे से दिखाने वाले हैं। बहुत बड़ा यूट्यूबर है, देख सकते हो आप, जाना चाहते हो आप उसमें जा सकते हो। यहाँ डिक्की में माल रख रहा है साकेत का। ओ हमारा फेवरेट पेट्रोल पंप, what happening bro, what did you serious? Yes, this vlog is very particular, dependent on you. Actually hota kya hai dosto ki thoda sharam aata hai logon ko first time mein vlogging karne mein, ghanta sharam nahi aata first time mein vlogging kar rahe hain aur bindaas kar rahe hain, aap hamara first vlog dekh sakte ho, hame ghanta sharam nahi aa raha hai, हमें एडिटिंग आती नहीं है लेकिन सीख जाएंगे क्योंकि यूट्यूब जिंदाबाद। कहाँ गया यार? चलो वो कहीं और पिएंगे। उस साइड पकड़, उस साइड पकड़ फोन को। ये देखो स्कूल से ये लोग आ चुके हैं, हमारा व्लॉग एंड होने वाला है, आप देख सकते हो ये बच्चे लोग अभी तक वेट कर रहे हैं, ऑटो नहीं मिला है या बस नहीं आया अभी तक, हम तो ही निकल जाएंगे, निकलना है ठीक हो बैग जाना है। ये देखो एकदम साइड के एरिया, जब पुलिस चेकिंग रहती है रोड पे तो हम लोग इस तरफ से जाते हैं, वही दिखाने वाले हैं। ये टाउन वो टाउन है जिसके दोनों साइड में खेत हैं हरे भरे, आप देख सकते हैं हरा भरा। मज़ा आ जाएगा दोस्तों हमारा व्लॉग देख के। कहाँ जा रहे हो जी दोस्ती, कहाँ जा रहे हो बोलो जल्दी। ये देखो ये बच्चा दौड़ रहा है और वो साइकिल वाला दौड़ा रहा, और नजर क्या लगे वहाँ पर हथियार प्यार, जहाँ पर न पिछड़े मिलने वाले, जहाँ सब हो दिल वाले। तो चल चल चल, वीडियो थोड़ा कैप्चर करने में दिक्कत हो रहा है। ये रहा हमारा मैडम का घर। खत्म हो चुका
ये देख सकते हैं दोस्त, घर बना हुआ है। हाँ, बैल मुझे मार। ये रहा बैल, भयंकर जो है उधर जाने वाले दो बैल। ये तीन बैल थे जिसका सामना करते हुए हम लोग निकल चुके हैं। और ये SS गर्ल्स हाई स्कूल है जो कि बेहतरीन बना है। मतलब अच्छा नहीं आया क्योंकि हमारा टॉन इतना ही अच्छा है, उससे और ज़्यादा अच्छा नहीं दिखा सकते हम, कितना भी बढ़िया से कैमरा कर लें, क्योंकि हमारा टॉन बस इतना ही है जो कि ख़त्म हो चुका है। कर रहे हैं बोलो ना बे बोलते बोलते बच्चे हैं। और ये व्लॉगिंग स्टार्ट है हमारा, आप देख सकते हो इसमें रुकने वाले नहीं हैं। स्कूल का छुट्टी हो चुका है, सब लोग जा रहे हैं घर, क्या हम यहाँ से पार हो जाए। और ये सेंट मैरिज स्कूल है और ये देखो रही इतना सन्नाटा है, लेकिन हमारा सुनेगा जो कि सबसे सेफ जगह है। यहाँ पे लोग काफी अच्छे हैं, पुलिस वाले भी काफी अच्छे हैं। और यहाँ कुछ खाने को चाहिए क्या? और यहाँ से हम लोग घूमने वाले हैं। घूमने वाले नहीं, अभी आ गया और ट्रॉली है। अच्छा, आ गया और ट्रॉली है, उधर जाने वाले हैं। इतना ट्रॉली की आप उधर भी शायद स्कूल ही है, इधर भी स्कूल ही है। क्या गेट खुला हुआ है? नो, होली स्प्रिट स्कूल। आप देख सकते हो क्या ही स्कूल बनाया हुआ है। एक बात तो है दोस्तों, जो भी स्कूल होते हैं, चाहे कितना भी छोटा टाउन हो या बड़ा टाउन हो, क्रिश्चियंस के जो स्कूल होते हैं वो बेहद बढ़िया होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ये देखो, और ये देखो हम पार हो चुके हैं। ये ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चों को बॉल खेलते हैं, फुटबॉल ग्राउंड है। इधर गोल करने वाला है और उधर भी है, क्योंकि ये फुटबॉल ग्राउंड है। और कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, हो रहा है, थोड़ा हवा चल रहा है, बारिश आने वाला है, और मतलब बारिश में नहाने वाले हैं क्योंकि भीगने वाले हैं। और देख सकते हो ये गिरजाघर है, क्या ही खूबसूरत बना हुआ है। अंदर से दिखाते हैं, रुको जाके दिखा सकते हैं। तो चलो अभी चर्च दिखाने वाले हैं हम आप लोगों को, थोड़ा बने रहिए वीडियो में, लौटते वक्त हम चर्च दिखाएंगे आपको। और ये रहा इस, देख सकते हो आप नाम वगैरह, थोड़ा सा छुपिया और ये दोस्ती लोग जा रहा। और यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल और सॉरी मिडिल स्कूल, जितना भी स्कूल आ रहा है, क्योंकि वो लोग इनके अंदर थोड़ा कम आता है। ये स्कूल क्या ही स्कूल है, अभी इसके अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर देखो फुटबॉल चल रहा है, क्योंकि ये लोग काफ़ी फिट लोग हैं, फुटबॉल बहुत खेलते हैं, जो कि खेलना चाहिए। अभी हम पूरा आपको फुटबॉल मैच नहीं दिखाएंगे, जितना दिखा रहे हैं आप उतना में सब्र करो, क्योंकि बाद में दिखाएंगे, जितना व्यूज आएगा उसके हिसाब से आगे व्लॉगिंग करेंगे। नहीं भी जाएगा फिर भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है, हमारा शौक है। आप लोग देख सकते हो ये, और ये रहा हमारा व्लॉग दोस्तों, देख सकते हो क्या ही मस्त है, एकदम झक्कास। उधर से देख सकते हो कौन आ रहा है। अभी हम आपको साइड साइड का व्यूज दिखाने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 1985 का बना हुआ है और अब टूट रहा है। ये देखो दोस्तों, सारा के सारा टूट चुका है, जाना रिक्स है, इसलिए अब हम नहीं जाएंगे।
ये सब देखो, इसमें मछली पालन किया जाता है। मछली पालन करने का सबसे बेस्ट तरीका, डैम में थोड़ा इन्वेस्ट करो और मछली पालन करो, करोड़ों रुपया कमाओ। ये बिजनेस जो होता है वो करोड़ों का होता है। अब हम थोड़ा बहुत इधर से दिखाएंगे, इधर थोड़ा सही लग रहा है, जाना रिक्शा है फिर भी जा रहे हैं। बस बस बस, यहाँ से आगे नहीं जाते हैं। तो डैम में मछली पालन ऐसे किया जाता है, ठीक है, दिखा क्लियर, ब्लॉक वाइज बना करके ऐसे मछली पालन किया जाता है। इधर में आप देख सकते हो 4 ब्लॉक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लॉक बनाया गया है। क्या ही बड़ा डैम है दोस्तों, देख सकते हो। तो ये सब जाल लगाया गया है मछली के लिए। सब ट्राई कर रहे हैं, कैसे होगा? चल। ये है गुण जिंदगी का। दोस्ती उस्ती को दिखाते ना, हम पूरा कैप्चर करो इधर खाना कैप से। पब्लिक कैप्चर होनी चाहिए, पब्लिक रोड नहीं। ये रही हमारी पहाड़ों के बीच वाली रोड, जहाँ हम जा रहे हैं पहाड़ों के बीच से चीरते फाड़ते हुए रोड को। उड़िया मत दियो, चलता। अरे वाह गजब, ले मतलब तो फोन ही नहीं है कि हम कुछ रुपची करते रहे। ये देख सकते हो हमारा फर्स्ट ब्लॉग, क्या ही मस्त नज़ारा के साथ, क्या ज़बरदस्त है। और आप वीडियो में बने रहो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, देखने के लिए मिलेगा इसी तरह से ज़बरदस्त एकदम। देख सकते हो अभी ये पूरा ब्लॉग बनाऊंगा दोस्तों, अच्छे से बनाऊंगा किसी दिन, अभी थोड़ा टाइम का कमी है।
ये देख सकते हो और इधर से देख सकते हो कौन है। फर्स्ट आना चाहिए था बीच में, कुछ नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। ये इधर देख सकते हो, जबरदस्त सीन।